संगमनी वसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना ताम मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विशयंती। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। दुनिया में कई जगहें अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, तो कई जगहें रहस्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हीं रहस्यों में गुजरात राज्य में तुलसी श्याम पहाड़ी, स्कॉटलैंड में द इलेक्ट्रिक बे, अमेरिका में प्रोसेयर, ऑस्ट्रेलिया में ब्लैक रॉक, कैलिफोर्निया में कन्फ्यूजन हिल आदि जगहों पर जीरो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। ये जगहें आज भी विज्ञान के लिए रहस्य बनी हुई है। मध्य प्रदेश में स्थित है एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर जो भारत के प्राचीन विज्ञान के रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है, जहां एंटी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर चंबल नदी के तट पर बसा ग्राम दंगवाड़ा में स्थित है बोरेश्वर महादेव मंदिर, जो भारत के प्राचीन विज्ञान के रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। चंबल नदी से 100 फीट ऊंचाई वाले टीले पर बना ये स्थल मालवा में परमार नरेशों के शासन से पहले भी जल विज्ञान अनुसंधान केंद्र के रूप में विद्यमान रहा है। बाद में परमार नरेशों ने इस स्थल के महत्व को जानकर इसे मंदिर स्वरूप में बदला। उस समय ये परमारों की मंदिर शैली का उत्तम स्वरूप लिए हुए था, लेकिन वर्तमान में इस मंदिर में मराठा कालीन मंदिर स्थापत्य कला को देखा जा सकता है। कुछ इतिहासकार इस मंदिर को परमार कालीन मानते हैं, लेकिन अगर इस मंदिर का निर्माण परमारों ने कराया होता तो मालवा में ऐसे और भी मंदिरों के प्रमाण सामने आते, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि परमारों के मालवा में शासन से पहले भी इस स्थल पर जल विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला रही है। बाद में परमारों ने इस प्रयोगशाला को मंदिर स्वरूप में बदला होगा तथा इस प्रयोगशाला का निर्माण प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने जल विज्ञान अनुसंधान केंद्र के रूप में किया था। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहां प्राचीन काल की जल अनुसंधान प्रयोगशाला को देखा जा सकता है। संभवतः इस प्रयोगशाला में साइफन विधि, जल की फेसर विधि, शुद्धता आदि को ज्ञात करने के लिए जल का परीक्षण किया जाता होगा। वर्तमान में पानी की जांच के लिए अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिकांश बीमारियों का कारण दूषित जल होता है। परंतु बोरेश्वर महादेव मंदिर को देखकर लगता है कि जल की शुद्धता को ज्ञात करने संबंधी परीक्षण भारत में प्राचीन काल से होते आ रहे हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि दूषित जल को बीमारियों का कारण मानकर उस पर अनुसंधान की आवश्यकता हुई, परंतु प्राचीन काल में इसकी क्या आवश्यकता थी? क्या सच में प्राचीन काल में जल अनुसंधान जैसे विषय का ज्ञान किसी को था? उत्तर है हाँ, क्योंकि वैदिक काल से ही जल की शुद्धता और उसमें उपस्थित औषधीय गुणों की बात हो रही है। ऋग्वेद के कितने ही मंत्रों के देवता आपः अर्थात जल हैं, और उन मंत्रों में मनुष्य के शरीर में उपस्थित दोषों की मुक्ति के लिए जल का आह्वान किया गया है। वैदिक काल के पश्चात यदि पौराणिक काल की बात की जाए तो आचार्य वराह मिहिर ने अपनी पुस्तक वृहत संहिता में द्रिकारगल नामक एक अध्याय लिखा, जिसमें जल से जुड़े विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। ये प्रमाण बताते हैं कि प्राचीन ऋषियों और भारतीय वैज्ञानिकों को जल के अनुसंधान के महत्व का ज्ञान था, और उन्होंने इससे जुड़ी प्रयोगशालाएं अवश्य ही विकसित की होंगी। जहां तक बोरेश्वर मंदिर की बात है तो इसके समीप एक टीले पर हुए पुरातात्विक उत्खनन से लौह उद्योग में 170 सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त करने की विधि की जानकारी भी प्राप्त हुई है।
जो वैज्ञानिक अनुसंधानों के संकेत देता है। मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत स्वरूप लिए शिवलिंग है, जहां एंटी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल की अवहेलना को साफ साफ देखा जा सकता है। इस शिवलिंग पर जितना भी जल चढ़ाएं, ना गर्भगृह में आता है ना नीचे की ओर जाता है। ये जल मध्य में स्थिर होकर शिवलिंग के चारों ओर कुंडली स्वरूप लिए हमेशा भरा रहता है, जो एंटी ग्रेविटी का अद्भुत प्रमाण है। जल गुरुत्वाकर्षण नियम के विरुद्ध नीचे जाने की अपेक्षा ऊपर की ओर गति करता है तथा अपने एक निश्चित अनुपात पर आकर जल शिवलिंग के मध्य स्थान पर आकर ठहरता है। शिवलिंग पर जल के मध्य स्थान के स्वरूप की यह घटना गुरुत्वाकर्षण बल की पूरी तरह से अवहेलना करती साफ साफ इस मंदिर के गर्भगृह में दिखाई देती है। नमस्कार, आज हम दंगवाड़ा, जो कि वरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है परिक्षेत्र, और एक विशाल मंदिर की रूपरेखा परमार राजा भोज के काल में निर्मित हुई, वह आज हमें प्रणीत के रूप में दिखाई देती है। एक बड़ा परिक्षेत्र है नदी तट पर, जहाँ से वराह की प्रतिमा उत्खनन पे डॉक्टर वागनकर को प्राप्त हुई और वरेश्वर से वरेश्वर हुए और आज वरेश्वर के नाम से जाने गए। वरेश्वर महादेव प्राचीन काल से ही एक मंदिर के मध्य में विराजित है और असंख्य जल राशि से आच्छादित यह मंदिर, यानी कि जहाँ शिवलिंग स्थापित है उसके नीचे जल राशि की था नहीं ली जा सकती है। आज भी यह कहा जाता है, एक कहानी है, किंवदंती है, ऐसा नहीं पुरातात्विक साक्ष्य भी है कि जितनी जल राशि अगर शिवलिंग पर डाली जाती है तो जल राशि कहाँ जाती है उसका कोई पता नहीं चलता। मंदिर परमार काल में नागर शैली का रहा, राजा भोज के काल में तीन प्रकार की शैलियाँ निर्मित हुई जिसमें से एक नागर शैली रही है, तो नागर शैली का यह मंदिर। अनेक शिखरावलियों से आच्छादित यह मंदिर जगमोहन मंडप अंतराल और गर्भगृह से आच्छादित है। शिखर उन्नत किस्म का है, आमलक है, ध्वजा है और अनेक अनेक गवाक्ष से आच्छादित है। पार्वती है, गणेश है, कार्तिकेय है और पूरा शिव परिवार हमें इस मंदिर परिक्षेत्र में दिखाई देता है। 1972 में मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग एवं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के संयुक्त कोलैबोरेशन में दंगवाड़ा क्षेत्र में पुरातात्विक उत्खनन हुआ, जिसमें अनेक पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ एक वराह की प्रतिमा भी प्राप्त हुई। इसी कारण डॉक्टर वाकणकर द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि प्रारंभ में वराहेश्वर महादेव के नाम से ये मंदिर विख्यात रहा है। कालांतर में धीरे धीरे वराहेश्वर से बोरेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। परमार शासक शैव धर्मावलंबी होने के कारण उन्होंने अपने राज्य में कई शिव देवालय निर्मित करवाए। इसी श्रृंखला की एक कड़ी में बोरेश्वर का ये देवालय आता है। इस मंदिर को परमार शासन के पश्चात मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। पुनः इसका जीर्णोद्धार मराठा शासकों के समय में किया गया। मंदिर के चारों ओर प्राकार अर्थात दीवार बनी हुई है, जिसमें एक मुख्य प्रवेश द्वार है। ये मंदिर एक विशाल प्रांगण में स्थित है। मंदिर में सर्वप्रथम महामंडप देखने को मिलता है। मंदिर के दोनों ओर गवाक्ष भी बने हुए हैं, परंतु ये मुखमंडप दिखाई नहीं देता है। यहाँ अर्ध मंडप भी है, जिसकी छत गोलाकार है। मंदिर का गर्भगृह काफी गहराई में है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है। बोरेश्वर महादेव मंदिर रहस्यमय है। मंदिर का शिवलिंग देखने में कुछ अलग सा लगता है, मानो जैसे किसी ने अपने हाथों में शिवलिंग को उठा रखा हो। ये शिवलिंग हमेशा आधा पानी में डूबा हुआ रहता है। इस पर कितना भी जल चढ़ाया जाए, ना तो कभी ऊपर गर्भगृह में और ना ही नीचे जाता है, हमेशा मध्य में रहता है। अगर हाथों को शिवलिंग के चारों ओर घुमाया जाए तो पानी के छलकने की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। मंदिर की दीवार में बने आलों में गणेश, पार्वती एवं कार्तिकेय की परमार कालीन बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं। पार्वती खड़ी हैं। मंदिरों में ये श्रेष्ठ है।
प्राचीन जलस्तर विज्ञान का ये रूप अन्य मंदिरों में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने जलस्तर ज्ञान केंद्र के रूप में इस मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर एक उपपीठ पर बना हुआ है। मंदिर की जंघा यानी बाहरी दीवार सादा बनी हुई है। तत्पश्चात मंदिर का प्रस्तर भाग दिखाई देता है। मंदिर का विशाल शिखर, दीवार, कंठ तथा आयलक से सुशोभित है। यहाँ लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ विराजे महादेव उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आम जन के लिए ये एक चमत्कारी स्थान से कम नहीं है। पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त यज्ञ वेदिका उनकी इस आस्था को और अधिक बल देती है। ऐसी मान्यता है कि बोरेश्वर महादेव की कृपा से इस क्षेत्र में कभी सूखा नहीं पड़ता। वर्षा भी अच्छी होती है, लेकिन जब मॉनसून लेट आता है तो सभी आसपास के गांव के आमजन महादेव को पूजने आ जाते हैं, परंतु शिवलिंग को जलमग्न नहीं कर पाते हैं। अनेक बार गर्भगृह को जल से भरने की कोशिश की गई, पर शिवलिंग डूबता ही नहीं। साथ ही जल हमेशा शिवलिंग के चारों ओर मध्य स्थान में भरा रहता है। शेष पानी न जाने कहां चला जाता है। इस प्रकार का चमत्कारी मंदिर हमने कहीं भी नहीं देखा। वर्तमान समय में ये मंदिर लोगों की आस्था एवं धार्मिक क्रियाकलापों का केंद्र मात्र बना हुआ है तथा आमजन इस मंदिर के पीछे के छुपे रहस्यों से अनजान है। सरकार को इस मंदिर के संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत के प्राचीन जल अनुसंधान विज्ञान का ये एक उत्तम उदाहरण है। वैसे भारत में प्राचीन मंदिरों का एक अलग विज्ञान रहा है। जैसे शैव मत के मंदिर हमेशा नदी के तट या कुंड के समीप ही मिलेंगे, एवं शाक्त मत के मंदिर पहाड़ों या ऊंचे स्थान पर तथा वैष्णव मत के मंदिर धरातल या समतल स्थान पर देखने को मिलते हैं। बोरेश्वर मंदिर का सदैव जलमग्न रहना एक प्रश्न भी उपस्थित करता है कि शिवलिंग की स्थापना के समय ये ध्यान क्यों रखा गया कि उनके निकट कोई जल स्रोत हो। वास्तव में ये प्रश्न शिवलिंग के शक्ति स्वरूप को स्थापित करता है। कहा जाता है कि यदि भारत के रेडियो एक्टिव मैप का अध्ययन किया जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंग स्थानों पर सर्वाधिक रेडिएशन की उपस्थिति दिखेगी, जो सिद्ध करता है कि ऊर्जावान शिवलिंग प्राकृतिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जिन्हें शांत रखना आवश्यक है। यही कारण है कि उन्हें जल के निकट स्थापित किया जाता है और उन पर निरंतर जल का प्रवाह किया जाता है। वर्तमान समय में मंदिर के इन रहस्यों को जानने और उनके पीछे छुपे विज्ञान को सुलझाने की आवश्यकता है। मंदिर केवल पूजा अर्चना व धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इन सब के पीछे कोई न कोई भारत का प्राचीन विज्ञान छुपा हुआ है। इसी तरह की प्राचीन धरोहरों से जुड़े तथ्य और विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने की ओर हम प्रयासरत हैं। अगर आप भी भारत की गौरवशाली संस्कृति, इतिहास और उसमें छुपे विज्ञान को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें।
मंगमनी वसुना चिकितुषी प्रथमा यज्ञाना तामा देवा व्यदध पुत्रा दूरिस्थात्रां भूय विषयंती। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।